वेल नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आज का जो प्रोजेक्ट है वो है कोट, जो क्लॉजेट होती है उसका डोर जो है वो मेरा प्लेन है, और उसके ऊपर हमने ये वाला जो एक्चुअली है ये मिरर लगाया हुआ था, लेकिन वो हैंगिंग मिरर था और जहाँ भी उसको छेड़ता रहता है उसको, हमें डर है कि वो कहीं ना कहीं तोड़ ना दे उसको, तो इसलिए मेरा प्लान था कि एक बड़ा मिरर लेके इसके ऊपर डोर के ऊपर ही इसको अटैच कर दिया जाए, लेकिन कोई कस्टम ऐसा विद फ्रेम मुझे मिला नहीं, सो इसलिए ये फ्रेमलेस जो मिरर है इसको अटैच करूँगा मैं डोर के साथ और उसके बाद उसको फिनिश करूँगा। सो ये है आज का प्रोजेक्ट, जिस ये डोर है ये सॉलिड है, पहले इस मिरर को एक्चुअली लगाते हैं इस डोर के ऊपर और उसके बाद उसको कैसे फिनिश करूँगा वो उसके बाद। लेट्स गो। वेल ये लटक रहा था मिरर, उसको उतार के अभी डोर एक्चुअली मैं खोल रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक भी दिखा दूँ, ये उसके लॉक्स खोल रहा हूँ और उसके बाद उसके हिंजेस से डोर को निकाल के उसके ऊपर एक्चुअली हमने फ्रेम लगाना है। सो अभी इसके हिंजेस खोल रहा हूँ डोर के और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो उसके आसपास चारों तरफ मैंने फ्रेम बनाया वो कैसे बनाया। लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ये डोर एक्चुअली रख दिया मैंने, अब इसको जो मिरर था वो मैंने बिल्कुल एक्चुअली सेंटर पे एक्चुअली लगाना था, फ्रॉम द साइड से और ऊपर नीचे से चारों तरफ से एक्चुअली आई वांटेड कि बिल्कुल उसका जो विड्थ है वो सेम हो। तो अभी वही एक्चुअली मैं मेजर कर रहा हूँ, दोनों साइड से जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए और ऊपर नीचे से जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, तो इसीलिए अभी निशान लगा रहा हूँ उसको हैंग करने से पहले। एक्चुअली ये क्लिप्स दिए हैं इसके साथ, लेट्स सी ये लगेंगे ऐसे, बड़े आसान होने चाहिए वैसे, अगर खुल जाए तो डैम खुल नहीं गए हैं। ओके ओके ओके, सो ये एक्चुअली इन्होंने क्लिप दिए हैं, देखो ये एक साइड पे मिरर को पकड़ लेंगे इस साइड पे और यहाँ पे आप बड़े आराम से स्क्रू कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। ये क्लिप एक्चुअली सिर्फ मैं यूज़ करूँगा इसको होल्ड करने के लिए, जब साइड में इसके फ्रेम बनाऊँगा तो एक्चुअली फ्रेम इसको होल्ड करेगा। सो राइट नाउ जस्ट कि एक अंदाज़ा हो जाए कि कितना कहाँ पे एक्चुअली फ्रेम कैसे बनाना है, उसकी वजह से ये क्लिप्स एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। सो ये लग गया हमारा, अभी इसको एक्चुअली फिनिश करना है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई ऐसा डोर ऐसा मिरर नहीं मिल रहा था जो फ्रेम के साथ हो और जो इस डोर के साइज के हिसाब से एक्चुअली कस्टम फिट अच्छे से बैठ जाए, तो इसलिए मुझे ये फ्रेमलेस लेना पड़ा। एंड लेट्स फिनिश इट नाउ। तो अभी बारी आ गई फ्रेम जो बनाना है उसको काटने की, तो अभी अपना जो सॉ वगैरह है वो सारा सेटअप हो रहा है, उसके बाद काटेंगे उनको और फ्रेम बनाना शुरू कर देंगे। सो एक्चुअली जो हमारी लेंथ है वो एक है 1.5 18 यानी कितना होगा 17 3/4 एंड दूसरी है 68 यानी 67 3/4 और उनके जो कॉर्नर होंगे वो 45 डिग्री पे होने पड़ेंगे क्योंकि तभी विद रेक्टेंगल बनेगा, तो मैं ये सॉ यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा सॉ एक्चुअली मेरा गया हुआ है कहीं पे, सो इसको हम यूज़ करेंगे आज 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए। अभी 45 डिग्री पे जो चार लेंथ साइड पे दो लगनी है और ऊपर नीचे दो लगनी है उनको एक्चुअली अभी काट रहा हूँ मैं, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा चिप करना पड़ेगा एंड में ताकि वो जो मिरर है उसको पकड़ सके, लेकिन उससे पहले चारों लेंथ
काट दे, उसके बाद करेंगे उसको चेक। जो मेरी राइट साइड है जहाँ के ऊपर एक्चुअली हैंडल लगा हुआ है डोर का, वो एक्चुअली रास्ते में आ रहा था, तो इसलिए अभी इसको मैं राउंड काट रहा हूँ ताकि वो जो हैंडल है वो इजीली मैं एडजस्ट कर सकूँ। So, अभी हमारे दोबारा अंडर और ये एक्चुअली रेडी हो गया है सारा फ्रेम, तो उसको एक्चुअली करना अभी हमने असेंबल। सो असेंबल का जो तरीका जो मैं मतलब फॉलो कर रहा हूँ, एक्चुअली कह सकते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिनिशिंग नेल गन और 1.5 इंच की जो नेल है उसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो अच्छी तरह जो फ्रेम है वो उसको नेल पकड़ लें। उसको लगाने से पहले एक्चुअली एक एक करके मुझे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ये कि जो इसका डिस्टेंस है वो लेवल रहे, जो मतलब यूनिफॉर्म हो दोनों तरफ, और दूसरा ये हुक्स खोलने हैं। एक एक करके एक एक साइड लगाऊंगा मैं ताकि जो ग्लास है, जो मिरर है, वो हिले नहीं, और एक एक करके चारों तरफ से उसको एक तरह बांध दूंगा मैं। सो लेट्स गो, पहले हुक्स खोलते हैं एंड देन उसके बाद नेल गन से फ्रेम बनाते हैं। लेट्स गो। वेल ये हो गया डन, फ्रेम सारा हो गया है एंड पूरा कवर कर दिया इसने अच्छी तरह। लुक एट दिस, अभी इसको करना है फिल, जैसे ये नेल्स वगैरह लगाई है ना यहाँ पे करना है फिल, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिलिकॉन आसपास एंड उसके बाद पेंट। वेल अब बारी आ गई सिलिकॉन की और फिलिंग की, जितने भी होल्स थे अभी मैं एक्चुअली डैप की सिलिकॉन यूज़ कर रहा हूँ और साइड पे भी एक्चुअली इसको फिल कर रहा हूँ, और उसके बाद पेंट का टाइम। डोर के जो हिंजेस लगे हुए थे वो खोल दिए मैंने, और अभी एक्चुअली बारी आ जाएगी इसको थोड़ा सैंड करने की, और अभी सैंडिंग हो रही है अपने रोटरी सैंडर के साथ, इसको मैं सैंड कर रहा हूँ, और जो उसके अंदर भी जो है वो भी जो डिज़ाइन है उसको भी अच्छी तरह एक्चुअली मैं सैंड करूँगा, और उसके बाद शीशे को यानी मिरर को हम करेंगे कवर, और उसके बाद पेंट का टाइम। अभी जो मिरर है उसको एक्चुअली कवर कर रहा हूँ पेपर के साथ ताकि उसके ऊपर पेंट ना लगे। अभी बारी आ गई पेंट करने की, तो स्प्रेयर एक्चुअली मैंने निकाल लिया है अपना, और स्विस कॉफ़ी जो लिल ऑफ वाइट सा होता है जो ट्रिम पे यूज़ करते हैं और डोर्स के लिए यूज़ करते हैं, उसी के साथ एक्चुअली मैं पेंट करूँगा, एंड इसलिए अभी इसको पेंट करने का आ गया है टाइम। लेट्स गो। इसके ऊपर मैंने किए थे एक्चुअली 2-3 कोट, सो कोट हो गए कंप्लीट, अब सूखने देना है इसको। पूरी रात एक्चुअली डोर बाहर आ रहा था, सूख रहा था, अभी हिंजेस लगा के अभी इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ इंस्टॉल उसकी जगह पे। सो लेट्स डू इट। डोर हो गया इंस्टॉल, अभी टेप सारी निकाल देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। वेल दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया तैयार। देखो शीशा पूरा लग गया, डोर थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको मैं कैसा है। लुक एट दिस,
ये सारा पेंट हो गया पूरा एंड अच्छी तरह। सो पहले ये हैंगिंग वाला लटक रहा था यहाँ पे और अब मैंने पूरा डोर एक्चुअली शीशा फ्रेम कर दिया डोर के अंदर ही। होपफुली आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, अगर आई है पसंद तो कीजिए थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब और जुड़िए हमारी फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।